नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और आप देख रहे हैं मानो या ना मानो। आमतौर दुनिया भर में ज्यादातर समाज ऐसे हैं जो पुरुष प्रधान हैं, जहां पर हर क्षेत्र में पुरुषों को महिलाओं के मुताबिक ज्यादा अधिकार मिलते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार मिले हैं और यहां महिलाओं का ही राज चलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही समाज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत में ही एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे महिला प्रधान समाज कहा जाता है। दुनिया भर में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इनके रहन सहन, कानून, यहां तक कि इनका सब कुछ अलग होता है। ऐसी एक जनजाति भारत के मेघालय में रहने वाली खासी ट्राइब्स है। ये एक ऐसी जनजाति है जहां का समाज महिला प्रधान है। यहां पूरी संपत्ति महिला यानी कि मां के नाम पर ही रहती है। इन्हें खासी ट्राइब्स या खासी जाति के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर शादी के बाद महिलाओं को अपने पति के घर जाना नहीं पड़ता है, बल्कि यहां पर पुरुषों को अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के घर जाना पड़ता है और बच्चों को उनके पिता की बजाय उनकी माँ का उपनाम दिया जाता है। यहां पर माँ के बाद परिवार की संपत्ति बेटों की बजाय बेटियों के नाम की जाती है। यही वजह है कि यह समाज भारत के बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। दिलचस्प बात यह है कि जहां देश के दूसरे राज्यों में पुरुष प्रधान समाज होने के चलते महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं मेघालय के इस राज्य में बीते कुछ साल से पुरुषों ने समान अधिकार पाने के लिए आवाज उठानी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे भी बराबरी चाहते हैं। इस इलाके में पुरुष इस कोशिश में लगे हैं कि सदियों पुरानी इस व्यवस्था को बदला जाए। मेघालय की खासी जाति के समाज में महिलाएं ही की मुखिया होती हैं। इस जनजाति में परिवार के तमाम फैसले लेने में भी महिलाओं का वर्चस्व होता है और बेटियों के जन्म लेने पर यहां जश्न मनाया जाता है। यहां तक कि बेटे के जन्म पर उन्हें इतनी खुशी नहीं होती है। बाजार और दुकानों पर भी महिलाएं ही काम करती हुई दिखाई देती हैं। छोटी बेटी को विरासत का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। उसे माता पिता, अविवाहित भाई बहनों और संपत्ति की देखभाल भी करनी पड़ती है। यानी कि अगर देखा जाए तो खासी जाति की महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि वे समुदाय से बाहर शादी भी कर सकती हैं। इस समाज के पुरुष जो हैं वो इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और यही वजह है कि वो इसे बदलने की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले आम तौर पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, छेड़खानी और बदसलूकी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, वहीं इस पूरे इलाके के में देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसी के साथ मानो या ना मानो में आज के लिए इतना ही।